फोर्थ ईयर स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो फिफ्थ और सिक्स पेपर है, जिसका नाम आपका पैडागॉजी ऑफ बिजनेस स्टडीज है। पैडागॉजी ऑफ बिजनेस स्टडी और यूनिट जो आज हम आपके शुरू करने जा रहे हैं वो थर्ड यूनिट है। हम जो अभी पढ़ेंगे आपकी वो थर्ड यूनिट है और इस यूनिट का नाम है आपका व्यवसाय अध्ययन शिक्षण का विधि शास्त्र और तकनीक। विधि शास्त्र व तकनीक, इससे पहले हमने जो उद्देश्य वगैरह है इसके बारे में पढ़ा, उच्च माध्यमिक स्तर के उद्देश्य लक्ष्य में अंतर पढ़ा, वो आपके सेकेंड यूनिट था। अब हम पढ़ रहे हैं आपकी थर्ड यूनिट आज शुरू करेंगे, तो उसका जो आज हमारा टॉपिक है व्यापार अध्ययन शिक्षण के शिक्षण सूत्र। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के शिक्षण सूत्र, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। चाहे अध्यापक कोई शिक्षक कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, उसे अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, बोध्यगम्य बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए उसे शिक्षण सूत्रों की या अन्य तकनीकों की व व्यूह रचनाओं की आवश्यकता होती ही है। और यदि नया शिक्षक हो तो उसके अनुभवहीनता होने के कारण तो उसे शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसे अपने विषय का ज्ञाता होना बहुत जरूरी, विषय का ज्ञाता भी हो जाए पर यदि उसे शिक्षण सूत्र का नॉलेज नहीं है तो वो अपने शिक्षकों का जो शिक्षण कार्य है वो रुचिपूर्ण नहीं बना पाएगा। तो शिक्षण सूत्रों का होना या उनका नॉलेज होना क्यों जरूरी, आप विषय के ज्ञाता है बहुत अच्छी बात है, पर विषय के ज्ञाता होने के साथ साथ आपको शिक्षण सूत्रों का अनुभव या शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं शिक्षण सूत्रों के साथ में यानी पाठ के शुरुआत से लेके पाठ के अंत तक विद्यार्थियों में जिज्ञासा बनाए रखना, रुचिपूर्ण बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और रुचिपूर्ण मतलब पाठ जब शुरुआत हुआ है उस लेसन के शुरू से लेके एंड तक जिज्ञासा रुचि बनाए रखने के लिए हमें शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो विद्यार्थियों के अंदर जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को अंडरस्टैंडिंग उनका बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमें शिक्षण सूत्रों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यवसाय अध्ययन यदि हम अध्ययन करा रहे हैं तो उसमें व्यवसाय अध्ययन में कौन कौन से ऐसे शिक्षण सूत्र है जिससे जो आपका कंटेंट है वो सरल हो सके, प्रभावी हो सके, बोधगम्य हो सके। तो सबसे पहले जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहला आपका शिक्षण सूत्र आता है व्यवसाय अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि पहले आप जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब होता है फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी सबसे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज जो होता है वो उनके लिए नोन होता है। तो प्रीवियस नॉलेज के आधार पर यानी पूर्व जानकारी, जो पूर्व जो उनके पास में ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर हमें उसे नए ज्ञान की ओर ले जाना ही हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना होता है। जैसे कि छात्रों को स्थानीय परिवेश यदि हम मिट्टी के बारे में सिखा रहे हैं, पानी भूमि आदि का ज्ञान करा रहे हैं, तो यदि शिक्षक इस ज्ञान को पूर्व आधार पर मानकर जोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं चंद्रमा की कलाएँ हम पढ़ रहे हैं, तो चंद्रमा की कलाएँ हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे विद्यार्थियों को किस चीज़ का नॉलेज देना पड़ेगा, चांद के बारे में। तो चांद जो उसके पास में जो नॉलेज होगा चंद्रमा के बारे में वो उसका नॉलेज किस तरह का होगा, यानी चांद के बारे में वो जानता। आपने लेसन बनाते वक्त आपने लिखा होगा प्रत्यास्मरण कर सकेगा, रिकॉल कर सकेगा, रिकॉग्नाइज कर सकेगा। तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज यानी याद कर सकेगा। तो जब आप चंद्रमा की कलाएँ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर वो चांद की जो आकृति होती है उसके माइंड में जो चांद की आकृति होगी वो उभरेगी, क्योंकि वो उसका पूर्व ज्ञान है। उसे चांद कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, सबसे पहले उसके माइंड में वही चीज़ आएगी। तो उससे जोड़ते हुए हम उस चीज़ को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम उसका पूर्व ज्ञान उसको देंगे कि चांद कब निकलता है, रात को निकलता है, तो कब घटता बढ़ता है, क्या बढ़ता है, उसके बारे में हम जो उसको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम उसका जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को आधार मानकर हम उसको नवीन ज्ञान देंगे। तो ज्ञात से अज्ञात के ओर में यही होता है कि फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको हमें नवीन ज्ञान की ओर ले जाना। दूसरा है हमारा सरल से कठिन की ओर। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें
सूत्र जो है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू टफ। तो यानी कि ये हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हमने इन शिक्षण सूत्रों को बनाया गया है, क्योंकि सबसे पहले यदि हम कोई टफ चीज़ उसको सिखाएंगे तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने शिक्षण के अंदर सबसे पहले सरल चीज़ों को लिया, यानी कि जैसे आपने पहले प्रीवियस नॉलेज देते हैं तो हमें नवीन ज्ञान देने में इतनी समस्याएं नहीं आती, उसी प्रकार यदि हम सबसे पहले ईजिएस्ट तरीके से, हम ईजिएस्ट वे से उसको टफ की ओर लेके जाएंगे, यानी उसको हम सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे, यानी जितना हम शिक्षण को सरल रखेंगे, क्षमता के अनुसार उस पर बोझ नहीं डालेंगे, यानी उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग इजी गोइंग स्टडी कराएंगे, तो वो इफेक्टिव भी होगी और बोधगम्य भी होगी और साथ ही साथ विद्यार्थी को समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। दूसरा है हमारा सरल से जटिल की ओर, ये भी हमारा भूमिका वही है, सरल से जटिल की ओर, आपको ज़्यादा समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं है, जैसा हमारा सरल से कठिन की ओर वही का वही पॉइंट है इसमें। फिर हमारा प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, प्रत्यक्ष चीज़ें क्या होती है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, उन प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाते हुए परोक्ष, यानी प्रत्यक्ष चीज़ों को पहले नॉलेज करा के फिर हमें परोक्ष की ओर ले जाना चाहिए। फिर बाकी इसमें हमारे और भी बहुत सारे हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो दूसरा हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या आपके शिक्षण सूत्र का क्वेश्चन बनता है हर बार, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम कंसंट्रेट टू एब्स्ट्रैक्ट। जैसे शिक्षण का आधार जो होता है वो छात्रों के संपर्क में आने वाली वस्तु हो, इसका ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए, जैसे छात्रों की रुचि क्या है, भावना क्या है, उनके विचार क्या है, के साथ कितना घनिष्ठ संबंध हम स्थापित कर सके वो हमें स्थापित करना चाहिए। इसके आधार पर ही हम उन्हें सूक्ष्म तथा अमूर्त विचार सिखा सकते हैं। उदाहरण जैसे कि छात्रों को पहाड़, नदी, झील या टापू के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का हम उसको मॉडल बनाकर दिखा सकते हैं। सूक्ष्म से स्कूल की ओर से चाहिए, जैसे हम टापू के बारे में पढ़ा रहे हैं या झील के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इन सभी का हमें क्या बनाना चाहिए, मॉडल बनाकर हमें पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या होगा विद्यार्थियों का वही चीज़ आएगी सब में कि उनका जो छात्र जो कंटेंट हम दे रहे जो नॉलेज दे रहे वो बोधगम्य हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग वाला हो जाएगा और साथ रुचिपूर्ण हो जाएगा, जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका ये आपका था शिक्षण सूत्र का पार्ट 1, सारे एक साथ बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी आएगा। तो आपको अभी फिलहाल 5 ही लर्न करके रखने और इसको समझना है, यदि आपको समझ में आता कुछ लर्न तो पार्ट 1 में हमने 5 शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ा, बाकी के शिक्षण सूत्र का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।